केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बनाए रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर मुख्य रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की संभावना है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही घातक हो सकती है। इसलिए सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से बचें और दूसरों को बचाने के लिए आगे आएं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से निपटने के भारत के अनुभव की चर्चा की। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि चीन ने 7 जनवरी को जैसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को महामारी के बारे में सूचित किया, भारत ने उससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने में भारत ने विभिन्न स्तरों पर जो महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनकी वजह से देश में उच्च जनसंख्या घनत्व के बावजूद संक्रमण की दर और मृत्यु दर सबसे कम स्तर पर बनी हुई है। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजय पांडियन, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और हर स्तर पर लोगों को कुछ चीजों के बारे में सचेत रहने के लिए कहा सभी सरकारों को भी, और उसी श्रृंखला में जिसमें आने वाले समय में विशेष रूप से जो विंटर्स आ रही है जिसमें कम से कम ऑलरेडी करीब संभावना रहती है रेस्पिरेटरी वायरसेस के बढ़ने की। यद्यपि हम सब लोगों ने फरवरी और मार्च के महीने में देखा है जब सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा सर्दी का कोई इसके प्रकोप पर नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर और ये बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरा, अभी जो फेस्टिवल्स का सीजन शुरू हुआ है जिसके कारण हमारे देश में लोगों को सभी जगह पर दोबारा से ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से इसमें कि इन दो पेंडिंग घटनाओं के कारण केसेस का देश में दोबारा से सर्च ना हो, दोबारा से उनकी नंबर्स में बढ़ोतरी ना हो, एक बार सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ भी हम लोग इसी प्रकार की बैठकें कर रहे हैं। इसमें कुछ जो चीजें हमारे ध्यान में आती है और और जो WHO का ऑफिस है उसके साथ हमारी टीम इसको मॉनिटर करती है वो 74% है। दूसरी चीज उन्होंने अभी लास्ट स्लाइड पर दिखाया कि 10 दिन से हमारे केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं और उसको वो उन्होंने बताया वो भी ठीक नहीं है सर। हमारे केसेस जो है यूपी में भी वन ऑफ दोस फ्यू स्टेट्स जिसमें कि लगातार पिछले 36 दिन से हम लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं। 17 सितंबर को हमारा पीक आया था 68,235 और आज सर हमारे जो एक्टिव केसेस हैं एज ऑफ दिस मॉर्निंग आज हमारे एक्टिव केसेस की संख्या 28,268 है। तो ये जो सर आपने डेटा बताया था वो कल का था सर, ये आज मॉर्निंग का मैं बता रहा हूँ। तो 40,000 के करीब केसेस जो हमारे पिछले 36 दिनों में लगातार गिरे हैं सर, लेकिन अभी कहाँ पर जाके प्लेटो करेगा अभी हमको वो आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे जब पीक आया था उस समय हमारे केसेस 7,000 प्लस आ रहे थे, अब हमारे केसेस अंडर 3,000 है, 2,500 के आसपास चल रहे हैं। अब जब इससे और नीचे गिरेगा तो फिर हमारे एक दिन हमारा जो 2,000 के नीचे भी गया था केस, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं सर कि 2,500 के आसपास हमारे केसेस चल रहे हैं, तो और नीचे आएगा सब 2,000 आएगा तो हमारे फिर और नीचे डिक्लाइन दिखाई पड़ेगा सर। जो जैसा आपने अपने शुरू इनॉग्रल एड्रेस में भी कहा
हमारे केसेस बढ़ने की हम सर हमारे लिए नहीं है, वो सब कम हो रहे हैं। हमारे डेथ्स भी एक समय में है, एक दिन में 100 प्रोसेस है क्या, वो अब 30-40 के बीच में आ गया है, कभी कभी 30 से भी कम रहता है। तो डेथ्स भी हमारे लगातार घट रहे हैं, और डेथ्स इस समय सर सबसे ज्यादा फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्रीगण का डेथ्स के ऊपर है। एक एक डेथ्स को सर हम लोग बिल्कुल बहुत ही बारीकी से उसका एनालिसिस किया जा रहा है। एक एक डिस्ट्रिक्ट को रोज डेथ्स की पर्सनल रिपोर्ट भेजनी होती है कि क्या कारण रहा, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उस पर हमारा बहुत ज्यादा जोर है सर। हमारा CFR से जैसा आपने बताया 1.46 चल रहा है सर। रिकवरी रेट जो हमारी है सर, रिकवरी रेट हमारे इस समय 92.97% है। 92.47% टू बी एग्जैक्ट सर हमारी रिकवरी रेट इस समय है स्टेट की। और सर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं फ्लैग करना चाहता हूँ, अगर सर आप तो सर पूरे कंट्री को देखते हैं, जैसे आपने अभी केरल में भी देखा, उनके जो एक दिन का केस गया मैक्सिमम 11,000 क्रॉस गया। ऐसे ही सर आपने आंध्रा में महाराष्ट्र में देखा है कि एक दिन में डेली केस जो हाईएस्ट आता है उतना ज्यादा आता है। सर यूपी सबसे पॉपुलर स्टेट है कंट्री का, और तब भी सर हम इस बात के सफल है, और हम सर सबसे ज्यादा टेस्ट करते हैं कंट्री। अभी तक सर हम 1,38,00,000 के करीब हम टेस्ट कर चुके हैं, और पिछले 2 महीने से हम रोज 1.5 लाख से ज्यादा टेस्ट करते हैं सर, सबसे ज्यादा टेस्ट हम करते हैं कंट्री। उसके बावजूद सर हमारा जो पी केस भी एक दिन में गया, that was around 7,000, it was 7,000 plus one or two days. तो इतना जो सर इतना actively सारे हमारे DMs ने, सारे हमारे chief medical officers ने और बाकी department ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम बनाई सर, वो टीम 11 अटेंडे है, तो उसमें जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं सबके हेड्स हैं, और सारे लोग जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसका नतीजा है सर कि हमारा टीम छोटा भी रहा है और हम उसको मेंटेन भी कर पाए, और जब अभी नीचे आ रहा है तो लगातार सर 36 दिन से ये लगातार नीचे आ रहा है सर। एक दो बातें मैं और आपको केवल फ्लैग करना चाहता हूँ सर, कोविड के साथ साथ सर कोविड केयर के साथ साथ हम लगातार हम नॉन कोविड केयर पर भी अब फोकस कर रहे हैं, और इसलिए सर हमने कभी भी अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आप जानते हैं सर यूपी में अधिकांश जिलों में सर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, सिविल हॉस्पिटल अलग होता है सर, जहाँ की मदर चाइल्ड केयर होता है सर। हमारे करीब 60 जिलों में अलग से सिविल हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो इनको हमने सर कभी भी कोविड हॉस्पिटल बनाया ही नहीं, दूसरे हॉस्पिटल्स को बनाया, इनको हमने शुरू से ही छोड़ रखा बिल्कुल नॉन कोविड केयर के, और हम उसको भी लगातार मॉनिटर करते हैं सर, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती हैं उनको भी मॉनिटर करते हैं, और बाकी जो हमारे सरकारी अस्पतालों में सर्जरी होती है मेजर सर्जरी उनको भी मॉनिटर करते हैं सर। अब सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सर कि बहुत स्टेट्स ने किया सर, हम लोगों ने भी सारे स्टेट में हर जिले में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमने पोस्ट कोविड केयर डेस्क भी स्थापित किया सर, कि पोस्ट कोविड के लिए भी जब जिसको किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो तो वहाँ आकर के अपना वो ट्रीटमेंट कराए। ऑक्सीजन की थोड़ी सी टाइट व्यवस्था हो गई थी, मगर इस समय कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त ऑक्सीजन हमारा N2 की व्यवस्था में भी है और NC में तो हमेशा रहते ही है। तो आज की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के फिगर के हिसाब से आपने देखा भी होगा कि ये 17 तारीख के बाद से एक ट्रेंड जो घटने का आया है, जहाँ 68,000 से आज हम 28,000 पर पहुंचे हैं। हमारे सारे इंडिकेटर्स जो आज कोविड से जुड़े हुए वो अच्छे संकेत भी दे रहे हैं, और आपका जो सुझाव है उसको हम लोग जरूर गंभीरता से, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री जी तो वैसे भी अपने भाषण में अपने उद्बोधन में कई बार कह भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सभी लोग ने इसको सुनिश्चित किया हर जनपद में कि इधर त्योहारों के दिन में थोड़ा चेतावनी देने के बाद कि थोड़ा सा इसमें सतर्क होने की आवश्यकता है कि त्योहार में ज्यादा संख्या में लोग भीड़ बढ़ते हैं तो उसमें मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी, ये सारे कौशल के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमारा है वो डिक्लाइन ही रहे और उस पर पूरी नियंत्रण रहे। तो आपके सुझाव के माध्यम से भी और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उत्तर प्रदेश के सभी टीम हमारे साथ जो बैठे हुए हैं और हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री हमारे माननीय मंत्री जी जो अभी आपसे बात करेंगे उनके भी सहयोग से हम लोग इस पूरे कोविड की लड़ाई को पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं। मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें बेहतर रिजल्ट दे सके, लेकिन हम आपको जानकारी दे दें
कि हम जहां तक मृत्यु दर को कम करने के लिए हमने कमांड कंट्रोल सेंटर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थापित किया, और उसका केवल एक ही काम यह था कि हम कम से कम समय में मरीज को जैसे ही सूचना मिले तो कम से कम समय में उसको हॉस्पिटलाइज कर सके और उसका इलाज प्रारंभ कर सके, और हर स्तर पर इसको मॉनिटर किया गया। आज जो हमारा फर्टिलिटी रेट कम है वो उसकी वजह ये बहुत बड़ी वजह है कि हमने उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करके उसको रोकने का काम किया है, और इसीलिए हमारा 1.46 है और केंद्र का 1.5 है, जैसा कि आप भी इस बात को अभी तक इंगित किया। आगे भी जो 2.4 पर आपने हमें फोकस किया है मेरठ के लिए, वो हमारी चिंता का विषय है कि किसी भी तरीके से इसको हर हालत में रोके, इसमें और ज्यादा मॉनिटरिंग की आवश्यकता है तो मॉनिटरिंग करेंगे, और जहाँ कहीं पर भी हमारी जो हमने मृत्यु की एनालिसिस की है उसमें भी हम हर स्तर पर इस बात को देख रहे हैं कि कहाँ पर लापरवाही हुई, कहाँ पर कमी रही, जो आगे किसी भी हालत में न होने दो। हमें कॉल की है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो तीन बातों के ऊपर जो फोकस देने कहा, और ये तीनों हमारी सरकार के भी हमारे व्यक्तिगत तौर पर भी हाईलाइट साथ साथ करते रहे हैं। दूसरा आपने टीवी के बारे में भी जो, तो मैं चाहता था कि एक से दो मिनट हम यहाँ के पीएम से पूरा हमें ऊपर थोड़ा डिस्कशन भी चाहिए, वो तो सारे डायरेक्टर सबके पास हमारे पास भी है, उनकी बात भी है, लेकिन उनको अगर लगता है कि जब सारे जगह के जिले पीछे जा रहे हैं तो बहुत बहुत ऐसे जगह बढ़ रहे हैं, तो क्या उनके लिए काम है पुलिस के विशेष कारण ध्यान दिया है जो हमारे को बाकी स्ट्रैटेजी में बनाने में या स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने में सचेत कर सकते हैं।